हेलो गाइस, नमस्कार। आकाश पटेल ब्लॉग में आपका स्वागत है। और गाइस, जय श्री राम बोलते हुए भाई साहब, आज मैं निकल रहा हूँ रॉनिन लेके अपनी। तो मेरे पास एक अपाचे है, एक है रॉनिन की, मतलब भैया की है, मेरी नहीं है भाई। ये गाड़ी मुझको बहुत खूबसूरत, मैंने सोचा कि दूसरा ब्लॉग मैं अपनी दूसरी गाड़ी से कर लूँ। और गाइस, उसके बाद आज हम लोग को निकलना था, किसी काम से जाना था हम लोग को फीडबैक साइड। तो यार, हम सोचे कि थोड़ा ब्लॉग भी बना लेते हैं और चल भी देते हैं, आप लोग को वीडियो भी दिखा देते हैं। गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं इधर से दारागंज, उसके बाद जाएंगे परेड की तरफ से मुड़ के, परेड सीधा होते हुए हम लोग निकल जाएंगे कीड़गंज। और फिर वहाँ पे आज का ब्लॉग ख़त्म होगा। फिर अगर वीडियो पसंद आएगी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। ऐसे क्योंकि बताएं, शाम को निकलने में साला एक प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि शाम को निकलने में वीडियो ब्राइट नहीं आती और बड़ा अंधेरा अंधेरा सा आता है। इसलिए सोचता हूँ कि दिन में निकलूँ, दिन में इतनी धूप रहती है। अब थोड़ा मौसम अच्छा होता है तो मैं आप सब लोगों को वीडियो अच्छी अच्छी दिखाऊँगा और अच्छी अच्छी जगह घुमाऊँगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा गर्मी की वजह से मैं धूप में निकल नहीं पा रहा हूँ। और आप भी शायद वीडियो ना देख पाएँ क्योंकि इतनी धूप रहती है, मुझको एडिट करना पड़ेगा वीडियो बहुत ढेर, क्योंकि मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं करता अपनी वीडियो। और मैं ये पहुँच गया था परेड, इधर राइट टर्न हो के परेड सीधा निकल के ये है, देखिए अगर आप बाहर से हो तो ये है संगम जाने का रास्ता। अगर आप मेरी वीडियो इलाहाबाद के बाहर से देख रहे हो तो मतलब आप जानते होंगे, ये आप ये रास्ता नहीं जानते होंगे, ये संगम जाने का रास्ता है। और अगर बड़े हनुमान जी मंदिर जाना है तो ये बड़े हनुमान जी मंदिर जाने का भी रास्ता है। सब ये सब कुंभ की तैयारी के लिए देख रहे हैं, कितने बड़े बड़े एंगल लग रहे हैं अभी से। गाइस निकल गए, क्योंकि शाम को, दिन में तो यहाँ कोई भी नहीं रहता, शाम को इतना क्राउड रहता है कि क्या बताएं आपसे। बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं, मस्त घूमने लोग आते हैं, टाइम पास करते हैं लोग। गाइस उसके बाद यहाँ पे भाई सब ये देख रहे हैं, अंकल जी को उभारे जा रहे हैं, भैया गर्मी इतनी लग रही है इनको। थोड़ा सा रोड यही ख़राब है पुल के नीचे, उसके बाद बहुत अच्छी रोड है यहाँ की। उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं सीधा बिल्कुल परेड, मस्त घूमने निकलते हैं भाई। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, गाड़ी लोग ऐसा मोड़ते हैं ना कि कुछ आप कह नहीं सकते। थोड़ा मेरे और शिवम भाई में डिस्कस चल रहा था, आप बैकग्राउंड में उसको सुन सकते हैं क्या डिस्कस चल रहा है। तो भाई इतनी गर्मी हो रही है ना बेचारे को, गर्मी से उसको निकलने का मन होता नहीं। मेरा एक ही दोस्त है शिवम, जिसको निकलने का दिन में मन होता नहीं, उसको कैसे ना कैसे मैं कहीं ले जाने के लिए उसको आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ता है। सॉरी गाइस, ये है राजू कचौड़ी, अभी आने वाला है। मतलब आपको लगेगा इसमें टेस्ट नहीं होगा, लेकिन उसमें टेस्ट इतना ज़्यादा रहता है। पहले 10 की थी, फिर 15 की, फिर 20 की, अब है 30 रुपये प्लेट। का नाम ही हो गया राजू कचौड़ी वाला चौराहा। ये बरगद का पेड़ और राजू कचौड़ी आप देख रहे होंगे, कोका कोला का एडवर्टाइजमेंट लगा हुआ है। फिर इसके बाद निकल जाते हैं हम लोग मिंटू पार्क की तरफ से परेड नैनी पुल के नीचे से जाके कीड़गंज जाएंगे। बस कभी भी आपको अगर फ्रस्ट्रेट हो, गुस्से में हो, कुछ भी हो, अगर आपके पास बाइक है तो बाइक लेके निकल जाया करो यार, ये चला सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है थोड़ी देर की। लेकिन हाँ, एक दोस्त साथ में होना चाहिए, तो आप स्पीड बढ़ा के स्पीड से ऊपर भगवान के पास भी जा सकते हो। मुझे यार सबसे अच्छा दोस्त वही होता है जो अच्छा समझाए और मतलब साथ रहे, और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों को, दोस्तों से उम्मीद कुछ नहीं रहती, साले खर्चा एक रुपये नहीं करते। गाइस इधर से हम लोग निकल जाते हैं मस्त, मौसम भी अच्छा हो रहा था, पर मौसम पे मत जाइए आप, थोड़ी सी वीडियो एडिट और, क्योंकि बहुत धूप रहती है, धूप थी और प्लस मौसम तो अच्छा हो गया था शाम को, पर गर्म हवा लू चल रही थी। और कोशिश करिए लू में बहुत कम निकलिए, आपको अगर कुछ काम हो तभी निकलिए, नहीं तो आप मत निकलिए गाइस। और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जब तक वही मैं रोज ही ऐसे ब्लॉग डालता रहूँगा, अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो देखिएगा, लेकिन स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि भाई वीडियो मैं बहुत दिन से मेहनत कर रहा हूँ यूट्यूब पे, और
मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा, आप लोग देखते हो कि चैनल मेरे सब्सक्राइबर तो बढ़ रहे हैं लेकिन किसी कारण से मेरा वॉच टाइम नहीं पूरा होता। जब वॉच टाइम पूरा होने वाला तो मैं किसी कारण से वीडियो बनाना छोड़ देता हूँ, और जब वीडियो बनाना छोड़ देता हूँ फिर मेरे रीच कम हो जाती है, एनालिसिस कम हो जाती है, वीडियोस पे व्यूज़ आना बंद हो जाते हैं। तो सब्सक्राइबर मेरे रोज़ गेन हो रहे हैं, मुझे सब्सक्राइबर की चिंता नहीं, पर मुझे एक चिंता है कि आप लोग मेरी वीडियो पूरी नहीं देखते, शायद पसंद ना आती हो, क्योंकि इतने बड़े बड़े क्रिएटर हैं, मैं एक छोटा सा क्रिएटर हूँ, मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर पाता क्योंकि खुद सब कुछ अपने से करना पड़ता है, मैं किसी को हायर तो कर नहीं सकता। अब बेस्ट वीडियो देने के लिए मेरा मोनेटाइज अगर चैनल हो जाता है तो मैं आपको अच्छे से अच्छी वीडियो दिखाने की कोशिश करूँगा, और केवल इलाहाबाद ही नहीं, मैं मेरा प्लान है कि मैं बाइक से ही टूर करवाऊँगा आपको हर एक कानपुर का, दिल्ली का। ऐसा दिल्ली में तो बहुत यूट्यूबर है, पर मेरा मन है कि मैं छोटे छोटे शहरों की वीडियो आपको एक एक मोहल्ला टूर कराऊँ। मैं चाहता हूँ कि मैं हर शहर में रह के उस शहर को एक पूरी तरीके से रह के आपको पूरा टूर कराऊँ, क्योंकि मेरे ज़रिए आपको घूमने का मौका मिले, जगह कहाँ है, क्या चीज़ है यहाँ पे, सारा कुछ देखने का मिले। अभी तो मैं प्रयागराज में, मेरी ये दूसरी वीडियो है, प्रयागराज में दूसरी वीडियो ये आ गया, मैं नैनी पुल के नीचे का रास्ता है जो जाता है कीटगंज की तरफ, ये सीधे जाता है, ये भी कीटगंज जाता है, ये राइट साइड से मैं जाऊँगा क्योंकि सीधे बहुत ट्रैफिक होगा इस टाइम पर, तो इधर मैं राइट साइड से जाता हूँ। भाई सब कुछ हंसी मजाक कर लेना चाहिए, दोस्तों के साथ रहते हो भाई जानते हो अब दोस्त कितने अच्छे होते हैं और कितने ख़राब भी होते हैं, और क्योंकि इधर पूरा महाकुंभ की वजह से पूरे रोड पे, मतलब पूरी रोड के घर वर टूटे हुए हैं, आप देख ही सकते हैं, बाइक स्लो करवा दी सी, रोड रोड सारे यहाँ पे सारा काम चल रहा है, और भाई डस्ट इतना उड़ता, अगर काम ना हो तो इधर आपको व्यूज़ दिखाना था, इसलिए मैं सोचा कि आपको तो। और आज का व्लॉग अगर पसंद आया हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आगे की जर्नी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।